Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। दो। क्या माधव? अरे भूत बाधा खुनियों पर किताबें लिखने वाला लेखक माधव नाई ये ऐसे डरता है, अगर लोगों को पता चलेगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे। देखो मैं डर गया और मुझे डराया गया, दोनों में फर्क है। अगर तुम ऐसे अकेली बैठी होती और तुम्हें कोई टैप करता तो तुम क्या करती? मैं एटलीस्ट देखूंगी और फिर रिएक्ट करूंगी। छोड़ो ना, मुझसे नहीं होता। लिखते वक्त ना मैं कहानी में घुसकर उसके किरदारों के साथ गुम हो जाता हूँ। हाँ। तो कब तक खत्म होगा तुम्हारा उपन्यास? होगा, जल्दी होगा। विश्वास राव कहाँ है? मुझे नहीं पता, क्यों? जतिन सेठ का फोन है ना? हाँ। हाँ, दो बार कट किया ना तुमने, मैं तभी समझ गया था। माधव इसीलिए पूछ रही थी कि विश्वास राव कहाँ है। मुझे उसके सामने जतिन सेठ से बात नहीं करनी और मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ आए। आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा क्योंकि किसी चीज का किसी से कनेक्शन ना हो फिर भी विश्वास राव हर चीज का संबंध केस से जोड़ लेता है। वकील काका के खून से इसका संबंध नहीं हुआ फिर भी। मैं तो कहता हूँ ये किस्सा ही खत्म कर दो। हाँ लेकिन ऐसा करना बिल्कुल आसान नहीं है। और प्लीज तुम इस बारे में किसी से बात मत करना वरना हम पर शक की सुई आ जाएगी। उसकी गलती नहीं है, उसकी ड्यूटी है वो। अरे पर उसकी वजह से हमें यहाँ रुकना पड़ रहा है ना। अरे ऐसे ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। अब वो उसे ही पता। अब फिलहाल उस पर और एक जिम्मेदारी है, छाया की शादी की। अच्छा है घर वाले नहीं तो कम से कम वो तो कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी ये कोशिश सिर्फ हम लोगों तक ही सीमित है या आगे भी बढ़ेंगी? मुझे लगता है कि वो बाकियों से बात करने का मौका ढूंढ रहा होगा। तुम्हें क्या लगता है माधव, दत्ता भाई और आई तैयार होंगे? क्या पता, अब ये विश्वास राव ही बता पाएगा और उन्हें तैयार करना कैसे है ये भी विश्वास राव ही बताएगा। माधवा देवी का गई क्या रे? हाँ कब के निकल गए, अब तक तो वो पहुँच गए होंगे। अरे बाप रे, पहले उस अभिराम को फोन करो। क्यों आई, क्या हुआ? उससे कहना कि वहाँ कुछ खाना मत, देवी का क्या आई तुझे पता है ना। अरे उसके खाने में कुछ मिलाकर दे देगी, पहले ही शादी के बाद उसका स्वभाव बदल गया है, कुछ खिला के वश में कर लिए तो। नहीं नहीं चाहिए मुझे। लीजिए दामाद जी, शादी के बाद तो आप पहली बार आए हैं यहाँ पर, लीजिए। देविका अब तू ही बता। देख लिया ना, एकदम तुझ पर गई है ये लड़की। अभिराम राव को जैसे ही इसने देखा ना वैसे ही अभिराम राव ने झट से प्लेट हाथ में ले ली। अभिराम राव, ओह मैं भी डर के ही रहता हूँ, मेरी भी यही स्थिति है, क्या समझे? अरे क्या आप कुछ भी बोल रहे हैं, आप खाइए ना। बाकी सब कैसा चल रहा है आपका, सब ठीक है ना? अब आपकी आई कैसी है? आई ठीक है मेरी आई। कल तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। कल जब वो बाहर आई तो मुझे चक्कर आने लगे, हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम था ना और देविका का पहला ही हल्दी कुमकुम और वो ऐसे ही बाहर आ गई, उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आई मैं बोल रही हूँ ना, मुझे चिंता है इसलिए बोल रही हूँ। अभिराम राव आप जरा ध्यान दीजिए और नेने काकी का भी जरा देख लो, कल क्या तमाशा खड़ा किया उन्होंने, ये कोई अच्छा लगता है क्या? आपने कुछ नहीं किया ये हम जानते हैं और आप ऐसा कुछ करेंगे भी नहीं ये भी मालूम है, पर
पर अगर आपके घर में से ही किसी ने कुछ किया और आप पर इल्जाम आ गया तो? मेरे घर वालों ने कुछ नहीं किया है, ठीक है? अरे आप तो ऐसा कहेंगे ही वो, पर गांव वाले तो कुछ और ही कह रहे हैं। अब ये तुम्हारा अपना मुंह बंद रखो, इस घर में इस पर बात नहीं होगी। अरे उनके घर में अपनी बेटी दी है हमने। आपकी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है ना? अरे आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, विश्वास है हमें आप पे, पर ये क्या एक ही बात है? वो छाया का क्या चल रहा है देख रहे हैं ना, उस पर भी ध्यान दीजिए। आई, उन्हें चाय दीजिए। चाय चढ़ाई है मैंने। अरे गांव में चर्चा चल रही है छाया के बारे में, लोग बताते हैं हमें, कौन है, कौन वो, क्या नाम है उसका? अजय। हाँ बराबर, यही नाम सुना है मैंने। कौन है वो, कहाँ का है? नहीं मतलब मैं पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है ना, पर छाया को जरा सोचना चाहिए था ना। लोग कहते हैं वो दोनों एक साथ घूमते हैं, मिलते रहते हैं। अरे कल तो वो छाया हल्दी कुमकुम में बीच में आके खड़ी हो गई, क्या चल रहा है ये? और आप तो कुछ बोले ही नहीं। क्या प्रॉब्लम क्या है आपका? हा? हमारे घर के प्रॉब्लम्स है ना तो हम देख लेंगे। आप क्यों बोल रही है? आपकी बेटी को तकलीफ नहीं हो रही है ना बस फिर? और रहा सवाल छाया का, तो वक्त आने पर उसकी भी शादी करवा देंगे, पर आप बीच में मत पड़िए। क्यों ना पड़ो बीच में, अपनी बेटी दी है आपके घर में, रिश्ता जुड़ गया है आपसे, लोग हमसे सवाल करते हैं तो क्या जवाब दे उनको? आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कहा ना हम है। और इतनी फिक्र है ना अपनी बच्ची की, तो रख लीजिए यहीं पर। आप क्या बोल रहे हैं? तो बोलो ना तुम्हारी आई को कि अपने घर की बातों में दखल अंदाजी ना करे। छोटी बहू मायके चली गई, बड़ी घर पर है पर क्या फायदा। सरिता तुझे ही मरना है, तेरे नसीब में जो लिखा है वो तो अच्छा है कि कम से कम तू तो है, वरना मेरा क्या होता। आई, शादी होने के बाद अभिराम पहली बार वहाँ गया है, अगर उसने कुछ खाया नहीं तो उनको बहुत बुरा लगेगा। हाँ रे, पर वहाँ से आने के बाद वो कैसा बर्ताव करता है पता है ना? देविका अच्छी है रे, पर उसकी आई कैसी है पता है ना तुझे? आई कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। क्या री, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारी जो जरूरी बातचीत चल रही है ना वो चालू रखो। मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाने के लिए जा रही हूँ। पर ये यमुना भी क्या हमेशा के लिए रहने वाली है? तब तक मैं बची रही तो ठीक, पर क्या ये घर वाले मुझे जीने देंगे? क्या है, खाना बन गया क्या? देख लिया, अब तक कुछ नहीं बना है, जब बन जाएगा ना तो बुला लूंगी। हाँ आसन पर बिठाकर रंगोली बनाकर खाना परोसूंगी मैं। हाँ हाँ, एक काम करो मेरे कमरे में ला कर दो, मुझे चलेगा। क्यों, हाथ से निवाला खिलाऊंगी ना अपने हाथों से। हाँ हो गया, ननन भाभी का झगड़ा शुरू हो गया। अरे तुम कब सुधरोगी? नहीं सुधरने वाली, आप जैसे लोग जो है ना हमारे आसपास, हमारा भला आपसे देखा कहाँ जाता है। अरे पर मैंने किया क्या है और तुम्हें तकलीफ किस बात से है? हमारे पीठ पीछे आप क्या तमाशा कर रही हैं? हमें सब पता है। किस बारे में बात कर रही हो तुम? उस विश्वास राव ने आपकी शादी के बाद इनसे ऐसे ही थोड़ी ना की होगी। हाँ देखो मुझे कुछ भी नहीं पता कि उसने ये विषय क्यों निकाला। ढोंग करो आप, हाँ ढोंग ही करो। उस विश्वास राव को आपने ही बताया होगा ना शादी के बारे में, कल को पूरे गांव ने हमारे मुंह पर कालिक पोती तब हम क्या करेंगे। हाँ अरे पर तुम्हें क्यों इतनी चिंता हो रही, मेरे भाई हैं, वो देख लेंगे। इतना भरोसा है भाइयों पर, इतना भरोसा है तो फिर उस विश्वास राव से क्यों कहा जाकर? मैंने कुछ नहीं कहा। क्या चल रहा है अंदर? अब उस विश्वास राव को बुलाऊं क्या यहाँ? हाँ बुलाऊं क्या? ठीक है
बोला मैंने, क्या कर लोगी तुम, क्या कर लोगी? क्या करूंगी, क्या करूंगी? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।